बुमराह और संजना की लव स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं है। पहली मुलाकात में संजना बुमराह को काफी घमंडी लगी थी, हालांकि धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और साल 2021 में दोनों ने शादी रचाई। बुमराह और संजना गणेशन की पहली मुलाकात साल 2017 में आईपीएल के दौरान हुई। बता दें कि संजना स्टार स्पोर्ट्स की मशहूर एंकर हैं और वह खेल की बारीकियों को काफी अच्छे से समझती हैं। बुमराह ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि संजना उनको पहली मुलाकात में काफी घमंडी लगी थी। बुमराह के लिए संजना का भी ठीक ऐसा ही सोचना था। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर बुमराह और संजना गणेशन की दोस्ती हुई, दोनों की काफी अच्छी बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगने लगा और साल 2019 में मोहब्बत का इजहार हो गया। दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपनी यॉर्कर पर बोल्ड करने वाले बुमराह संजना के प्यार में खुद ही क्लीन बोल्ड हो गए। 2019 में एक दूसरे को दिल देने के बाद बुमराह और संजना ने गुपचुप तरीके से 2 साल तक डेटिंग की। साल 2021 में दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। बुमराह ने जब बीसीसीआई से लंबे वक्त के लिए आराम मांगा तब उनकी शादी की बात खुलकर सामने आई। 15 मार्च 2021 को बुमराह और संजना गणेशन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। बुमराह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजना के क्रिकेट की समझ काफी कमाल की है। संजना बखूबी समझती है कि बुरे दौर में एक खिलाड़ी को किस चीज की जरूरत होती है। बुमराह को डेट करने से पहले गणेशन एमटीवी स्प्लिट विला की प्रतियोगी अश्विनी कुल द्वारा चूमे जाने के बाद वह लोकप्रिय हो गई। शो खत्म होने के बाद भी डेट करते रहे और अलग होने के बाद भी वे करीबी दोस्त बने रहे। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन संजना ने अपने करियर की शुरुआत केकेआर के साथ क्रिकेट प्रसारण में की थी। गणेशन के पास आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काम करने का अनुभव है। उन्होंने द नाइट क्लब शो की मेजबानी की, जहां केकेआर समर्थक टीम से बात और चर्चा कर सकते हैं। टीवी होस्ट के रूप में नौकरी पाने से पहले गणेशन ने मॉडलिंग में भी हाथ आजमाया था, हालांकि बहुत कम समय के लिए। उन्होंने 2012 के फेमिना स्टाइल डीवा फैशन शो में हिस्सा लिया था। उन्होंने अगले वर्ष फेमिना मिस इंडिया पुणे प्रतियोगिता में भाग लिया और फाइनल में जगह बनाई। गणेशन 2016 में स्टार स्पोर्ट्स में शामिल हुई और एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने चैनल के मैच के बाद के शो मैच पॉइंट और चीकी सिग्नल्स के सह मेजबान के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एक साल खेल प्रसारण के रूप में अपने संक्षिप्त समय में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया है, जिसमें 2019 वर्ल्ड कप भी शामिल है, जो करियर डिफाइनिंग माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट की मेजबानी की और सफलतापूर्वक कवर किया।